ईर्ष्या प्रपंच की बातें नहीं सुनना चाहिए, ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा आपका आहार, आपका जीवन बच्चे के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आप खाते, आप सोते हैं, बच्चे भी सोते हैं। अगर आप गाली देते हैं, आपका मन राग रंग में भरा पड़ा है, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। बच्चे पेट में पल रहा है, उनकी माँ पिक्चर देख रही है, हम दिल दे चुके सनम, बच्चा क्यों नहीं अपना दिल बेचेगा, बच्चा क्यों नहीं अपना दिल दूसरे जगह लगाए। उसी जगह पर आप महापुरुषों का चित्र लगाते, आप अपने घर में महापुरुषों का तस्वीर नहीं लगाते हैं, आप अपने घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर लगाते हैं। बच्चे एक बंदर की तरह होते, वो नकलची होते हैं। अगर आप अपने घर में महात्मा गांधी, सदगुरु कबीर, स्वामी विवेक आनंद जैसे महापुरुषों का अगर आप तस्वीर लगाएंगे, तो बच्चे वैसे बनने का प्रयास करेंगे। आप अगर अपने घर में गलत चित्र लगाएंगे, गलत तस्वीर लगाएंगे, तो बच्चे वैसे ही बनेंगे। आप जो संस्कार, जो विचार आप अपने बच्चों में देना चाहते हैं, आपके अंदर आना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आई, एक बार कि युवक स्कूल पढ़ने के लिए गया, उनके चार मित्र थे, चारों मित्र पढ़कर आ रहे थे, तो एक मित्र ने पूछा, तुम भाई क्या बनोगे? पहला मित्र ने कहा, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरे ने कहा, तुम क्या दूसरे मित्र से पूछा, तुम क्या बनोगे? दूसरे मित्र ने कहा, मेरे पिताजी इंजीनियर है, मैं इंजीनियर बनूंगा। तीसरे मित्र से पूछा, तुम क्या बनोगे? तीसरे मित्र ने कहा, मेरे पिताजी वकील है, मैं वकील बनूंगा। मेरे पिताजी वकील है, मैं वकील बनूंगा। और तीसरे मित्र से पूछता है, तुम क्या बनोगे? तीसरे मित्र ने रोने लगा, आंखों में आंसू आ गया, घर आया, अपने पार्टी और किताब को फेंकता है, अपने बेडशीट पर सो जाता है। माँ आई, माँ ने देखा कि बेटा, तुम जब स्कूल से आते थे, तुम्हारा मन खुशी से भरा रहा था, तुम मेरे गले से, मेरे सीने से लग जाया करते, तू भोजन मांगता था, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो, क्यों निराश हो? उधर से पिता आया शराब पीकर। पिता ने कहा, बेटा तुम्हें किसने क्या कहा, बताओ, मैं उन्हें सिर से गर्दन हटाकर फेंक दूंगा, मैं अभी तुरंत दफना दूंगा, तुम्हें किसने क्या कहा? बच्चे कुछ नहीं बोला, रोने लगा। फिर माँ ने बहुत पूछा, तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम बताओ। उनके पिताजी वहाँ बैठे हुए थे, पिताजी बैठे हुए थे। युवक ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, कहा, पिताजी मैं चार मित्र, चारों मित्र स्कूल से पढ़कर आ रहे थे, और चारों ने अपने अपने विचार रखा, किसी से पूछा, तुम क्या बनोगे? पहला मित्र ने कहा, मेरा पिताजी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरे ने कहा, मेरा पिताजी शिक्षक है, मैं शिक्षक बनूंगा। तीसरे ने कहा, मेरा पिताजी वकील है, मैं वकील बनूंगा। क्या मैं उस सभा में यही कहता, मेरे पिताजी शराबी है, मेरे पिताजी जुआरी है, मैं शराबी बनूंगा, जुआरी बनूंगा? क्या मैं यही कहा था सभा में? उस आदमी को, इस इंसान के आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, बेटा आज से मैं संकल्प लेता हूं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अगर आपसे, तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या बनोगे, तुम मत कहना कि मैं वकील और इंजीनियर नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आज से एक संकल्प लेता हूँ, कम से कम मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा। आपके बच्चे अगर वकील ना बन पाए, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बच्चे अगर डॉक्टर ना बन पाए, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बच्चे अगर प्रोफेसर ना बन पाए, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों को एक अच्छे इंसान बनाइए, एक अच्छे मानव बनाइए। आप अपने बच्चे के सामने गलत तस्वीर देखते हैं, गलत पिक्चर देखते हैं, जो डूबे गिलासों के पानी में न उभरे जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा इस बंद बोतल के पानी में। आप घर के पिता है, आप घर के मुखिया है, आपका विचार गलत है, आपका स्वभाव गलत है, आपका संस्कार गलत है, तो आपके बच्चे ही वैसे ही बनेंगे। आप अगर अपने बच्चे को राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, चंद्रशेखर आजाद के रूप में देखना चाहते, तो आप पहले अच्छे संस्कारी बनिए। आप अपने बच्चे के जिम्मेदार है। बच्चे छोटे रहते हैं, क्या बच्चे को पाकिस्तान के लोग गाली देने के लिए सिखाने के लिए आते हैं? हमारे घर परिवार के लोग ही सिखाते हैं।
घर परिवार का आपके बेटे किन लोग के साथ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कैसे भोजन करते हैं, आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। आप खुद संस्कारी नहीं तो आप अपने बच्चे को कैसे बना सकते हैं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब तुम्हारी उम्र की पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो बहुत पढ़ने में बहुत तेज थे। बेटा ने कहा, पिताजी आपने तो बहुत ही सुंदर कहा, मेरे उम्र के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन जब आपकी उम्र के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो वो भारत देश का प्रधानमंत्री थे, आप तो गांव का एक मुखिया भी नहीं बन पाते हैं। आप गांव के एक मुखिया भी नहीं बन पाते हैं। जो आदर्श, जो संस्कार, जो विचार आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं वो आपके अंदर आना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा, बच्चे बिगड़ते हैं माँ के गोद से, बच्चे बिगड़ते हैं माँ के गोद से। आपके बच्चे कैसे खाते हैं, किन लोगों के साथ है, आपकी बेटी कहाँ है, कैसे जीते हैं, किन लोगों के साथ है, आप अपने बच्चे का खुद जिम्मेदार है। बच्चे बिगड़ जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे बिगड़ गए, कहाँ नहीं मानते हैं। आपका बच्चा को किसने बिगाड़ा, किसने उन्हें शराब पिलाना सिखाया, किसने उन्हें दूसरे के चोरी कराना सिखाया, झूठ बोलना सिखाया, आप खुद जिम्मेदार हैं। 2 साल पहले की घटना है कि मैं एक गांव में गया, कुछ साथी लोग थे घूमने के लिए बुलाए थे, कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव जी के कार्यक्रम थे, तो मैं उसी में गया था। एक सप्ताह पहले एक आदमी के यहाँ गए मिलने के लिए, तो छोटा सा बच्चा था, उन्हें बुलाया, कहा जो कहना संत लोग आए हैं आपका पिताजी को आने के लिए। उस युवक छोटा सा बच्चा घर जाता है और उनके पिताजी ने कहा जो कहना पिताजी घर में नहीं है। वो छोटा सा बच्चा आता है, मैंने उनसे पूछा पिताजी कहाँ है, पिताजी क्या कर रहे हैं। उस युवक ने कहा पिताजी घर में है, लेकिन पिताजी बताए जो कहना घर में नहीं है। वो ऐसे ही कह दिया जो कहना पिताजी घर में नहीं, पिताजी ऐसे बता रहे। मैंने कहा जो कहना संत जी आए हैं आपको बुला रहे हैं। फिर वो युवक जाता है, फिर वो आदमी कहता है कि जो कहना पिताजी नहीं है। उस युवक फिर आता है, मैं पूछता हूँ कि आपका पिताजी कहाँ है, क्या कहा। उन्होंने कहा साहेब जी, फिर वही बात कहा जो घर में नहीं है। आपके बच्चे के झूठ बोलना किसने सिखाया, आपने सिखाया। आप खुद जिम्मेदार है। आप सुबह उठते हैं, आप गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, कलह प्रपंच में जीवन को जीते हैं, राग रंग में जीवन को जीते हैं, तो आपके बच्चे कैसे संस्कारी होंगे। आप जो संस्कार, जो विचार, जो गुण आप अपने बच्चों में देना चाहते हैं आपके अंदर आना चाहिए। जिस रूप में आप अपने जीवन को ऐसे जिए, आप अपने जीवन को ऐसे सजाए, आपके बच्चों को गर्व हो कि महसूस हो मेरे पिता ने इस संसार से गए तो एक इंसान के रूप में बन गए, शैतान के रूप में नहीं गए, कांटे के रूप में नहीं गए, एक गुलाब फूल की तरह आदर्श दे के गए। आप अपने जीवन को ऐसे जीते हैं तो बच्चों को अपने माता पिता का नाम लेने में भी शर्म होता है, क्योंकि आप अपने जीवन को गलत तरीके से जीते हैं, गलत विचारों से जीते हैं। आप अपने जीवन को गलत जगह ले जाकर अटकाते हैं। आप अपने जीवन को सही दिशा में लगाइए। आप अपने जीवन को, आप अगर अपने जीवन में खुशहाल और प्रसन्नता का महसूस करना चाहते हैं, आपके बच्चे अगर संस्कारी आप बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को संत गुरुजन के पास ले जाइए। आज देखा जाता है बच्चे जब छोटे रहते हैं, आप सबको जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन पर क्या करते हैं, केक मंगवाते हैं। आज तो बहुत प्रचलन हो गया केक का। छोटा सा नादान बच्चा रहता है, उन्हें हम केक देते हैं और नादान बच्चे को पता नहीं चलता है केक है क्या है, वो काटना नहीं जानता है। उन्हें हम क्या करते हैं, हाथ से, अपने हाथ से छुरी पकड़ाते हैं और कहते इसको काटो, वो नहीं काटते हैं, वो ताली बजाते हैं सब लोग और वो मोमबत्ती को बुझाते हैं। बंदो याद रखना, वो नादान बच्चे की तरह आप चाकू पकड़ाते हैं, वो बच्चे की चाकू इतना मजबूत हो जाती है जब आपका गर्दन काटना शुरू करता है, किसी के घर में डाका डालना शुरू करता है, जब किसी का जेब काटना शुरू करता है, आप कहते हैं मेरे बच्चे बिगड़ गए। उस चाकू की जगह पर आप अगर कलम पकड़ा देते, कॉपी पकड़ा देते, अच्छे संस्कार देते, तो आपके बच्चे एक अच्छे इंसान बनते। आप अपने बच्चे के खुद जिम्मेदार हैं।
मैंने कहा बच्चे बिगड़ता है माँ के गोद से और बच्चे बनते हैं माँ के गोद से। आप अपने घर में अच्छे साहित्य रखिए, अच्छे साहित्य रखेंगे आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। आपके सामने कबीर पारक संस्थान से बुक स्टॉल लगा हुआ है। आप किधर जा रहे हैं? स्त्री बाल शिक्षा, सुखी जीवन की कला, व्यवहार की कला, जीवन क्या है, ऐसी ऐसी पुस्तकें आप खरीदिए। 10 रुपया 5 रुपया के पुस्तकें हैं, आप अपने घर में रखिए, बच्चे को पढ़ने के लिए दीजिए, तो वो कुछ न कुछ उसके अंदर संस्कार आएंगे। आप तो फिल्मी धुन कैसेट रखते हैं, गलत चित्र रखते हैं, आप उसके जगह धार्मिक पुस्तक रखिए। आप 10-20-50 रुपया के दिन में गुटके खाकर फेंक देते हैं, 10-20-25 रुपया का आप पुस्तक खरीदिए, आप अपने बच्चों को दीजिए, आप भी पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ने के लिए दीजिए। तो मैंने शुरू में कहा बच्चे बिगड़ते हैं माँ के गोद से और बच्चे बनते हैं माँ के गोद से। तो आप, मैं जिन बातों को कहा आप सब जानते हैं, सिर्फ आप जीवन में उतारिए और जीवन में उतार कर आप, मुझे विश्वास है आप यहाँ से संकल्प लेकर जाइए, आप अपने जीवन को जरूर परिवर्तन करेंगे। आप यहाँ से एक अच्छे इंसान बनकर जाइए, आपकी बच्चों के घर परिवार के लोगों के पता चले मेरे माता पिता सत्संग में गए थे और सत्संग में जाकर आप अगर एक दुर्व्यसन करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेविचार करते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आप यहाँ से संकल्प लेकर जाइए हम अपने जीवन को सुंदर सत्यम मैं शिवम सुंदरम जीऊंगा। तो यही आपके सत्संग सुनने की सार्थकता है। मैं अधिक न कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब, अभी हम लोग संत श्री निर्बल साहेब के बहुत ही सुंदर संस्कार पर विचार श्रवण कर रहे थे। सचमुच जो बच्चा है, जो देखता है और जो सुनता है, वही सीखता है। वो हम जो घर में जो करते हैं वो देखता है और जो बोलते हैं वो सुनता है। तो बच्चा जो सुनता है और जो देखता है वही करता है। एक संस्कार एक नया चला है, आप लोग देखे होंगे। हम लोग तो बराबर आना जाना बहुत दूर दूर तक घूमते रहते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं और कहीं और कई प्रदेशों में जाना होता है। तो ट्रेन में कभी कभी हम लोग यात्रा करते हैं, तो बच्चे भी लगभग 20 साल 25 साल 30 साल 15 साल के बच्चे भी साथ में रहते हैं। हम कई बच्चों को देखे जो फुल पैंट पहनते हैं जींस का, तो यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, ये छेद है, ये फटा है। हम कहे एक से पूछा कि भाई ये फटा क्यों पहने हो, क्या पैसा नहीं है तुम्हारे पास? मान लो जिसके पास पैसा नहीं है और वो फटा पहना हो तो बात समझ में आती है। तो कहा नहीं बाबा पैसा तो है, उसका पिता भी बैठा था। हम कहें कि आपका बेटा है? कहा कि हाँ। ये पैंट क्यों पहना, फटा पहना है, आप पैसा नहीं देते हैं खरीदने के लिए? कहा कि नहीं बाबा पैसा दिए थे, ये यही खरीद के लाया है। हम कहे कि बेटा ये कहाँ से सीख लिए? कहा कि हम फिल्म में देखे हैं, हीरो के हीरो जो है फटा पहना था, तो हम फिल्म में देखे हैं, तो हम इसको पता लगाए कि हीरो क्यों फटा पहना था। तो कभी कभी उसमें खलनायक होता है, वो बढ़िया पहना था और खलनायक से उसको भिड़ंत हो गई, तो खलनायक जो है उसको जमीन पर घसीट करके पूरा वहां तक ले गया, तो ये फट गया घुटना पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन आज आदमी नहीं समझ पाता है कि हम फटा क्यों पहने हैं। वो समझता कि वो फटा है, लेकिन वो तो खलनायक जो है घसीट दिया था जमीन पर, तो उसका ये सब फट गया था। वही हम देख लेते हैं, कर लेते हैं, विचार नहीं करते हैं। अरे उसे क्या संस्कार मिलता है, कुछ सोचो तो। तुम फिल्म में देख लिए हीरो के, अरे यही राम के कृष्ण के सब आप जो है उनको देख लेते कि राम और कृष्ण कैसे देते, उनका संस्कार अपने जीवन में उतारते, संतों के विचार अपने जीवन में उतारते, संस्कार जीवन में उतारते, जीवन धन्य हो जाता। तो हम गलत गलत चीजों को जो है अपने जीवन में भर लेते हैं। तो अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे, आगे मैं विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुरुदेव जी के साथ आए हुए संत श्री अखिलेंद्र साहेब जी।
मंचासीन हैं और आप आए और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। अभी साहब जी हम लोग विचार प्रस्तुत करें, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग ध्यान से सुनिए, एक निवेदन है, आप लोग मान लीजिए। देखिए भाई लोग तो बहुत इधर उधर बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जरा आगे आ करके बैठे, हम लोग पकड़ेंगे नहीं किसी को, हम लोग जमराज थोड़े हैं कि नजदीक आ जाएंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे। आप लोग थोड़ा नजदीक आए, सभा व्यवस्थित हो जाए, और माताओं से भी निवेदन है कि थोड़ा सा पीछे भी देख करके एक साइड से बैठे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कबीर साहब ने कहा कि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय, आधे में पुरुष आधे में स्त्री, तो अच्छा लगेगा। तो एक एकजुट होकर के बैठे तो माताएं लोग थोड़ा सा इधर दब जाती तो अच्छा रहता, और नहीं दबेंगे तो कोई बात नहीं है, भाई लोग आकर के आगे बैठ लें, अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग विचार श्रवण करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। लगता है पंडाल में कोई नहीं है, आवाज ही नहीं आई, एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सबके समक्ष थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, यहाँ पर माताओं की संख्या ज्यादा है और बहुत सुंदर विषय और गंभीर विषय और हमारे भरी भविष्य के धरोहर, उसी पर चर्चा चल रही थी, संस्कार पर। आइए और कुछ चर्चा करते हैं। किसी ने पूछा बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए, तो उत्तरदाता ने कहा बच्चों को संस्कार बच्चे के जन्म से 20 साल पहले से शुरू कर देना चाहिए। और उत्तर एकदम सही है, आपको लग रहा होगा आश्चर्य, बच्चे को संस्कार 20 साल पहले इसलिए देना चाहिए जन्म से, जिस माँ बाप के कोख से बच्चे जन्म लेंगे उन बच्चे को संस्कार देना शुरू कर दीजिए, मतलब तब बच्चे संस्कारी हो सकते हैं। और बच्चा जब कोख में है तब संस्कार की बातें करेंगे, तो इसके जिस्म में उनके जीवन में सारे बुराइयां भरे हैं, तो बच्चे को कितना संस्कार दे पाएगा, इसलिए बच्चे को संस्कार उत्तरदाता ने कहा 20 साल पहले से दीजिए। कितना अच्छा विषय है संस्कार के बारे में हम सुन रहे हैं। ये आपके जीवन का भविष्य है, ये आपके धरोहर है। ये यदि आप आज अच्छा बीज बोते हैं कल वही फल आप काटते हैं, यदि आज बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार भरते हैं वही बच्चे आपके बुढ़ापे में काम आते हैं। और यदि आपने गलत संस्कार भला, गलत विचार भला, गलत उनके अंदर डालते गए आप विचारों को, वही बच्चे के अंदर गलत विचार आएगा और वही आपको मिलेगा, लौट करके मिलेगा। इसलिए आपको करना क्या है, आज से नए जीवन की शुरुआत करिए, एक सुंदर जीवन का निर्माण करिए। गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथों में, ये जीवन कोरा कागज है। और जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, तो बच्चे के दिल दिमाग में कोई विचार नहीं होता है, वो देखता है, सुनता है, जानता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। और वही चीज इनपुट होता जाता है जो आप करते हैं, वही चीज। इसलिए उनके सामने ऐसी घटना मत करिए, ऐसी काम मत करिए, ऐसी क्रिया मत करिए, ऐसे बातें मत करिए जो बच्चे के अंतस्थल पर रिकॉर्ड होता जाए, बच्चे के अंतस्थल पर रिकॉर्ड होता जाए। बच्चे बोल नहीं सकता लेकिन जानता है।
आपके जीवन की धरोहर इसलिए काम है। यदि आज आपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया, अच्छी शिक्षा दिया, तो आपके बुढ़ापे में आपके काम आएंगे। यदि आप अपने बच्चे को गाड़ी नहीं देते हैं, मोबाइल नहीं देते हैं, कार नहीं देते हैं, तो बच्चे चार दिन छह दिन रोएंगे। और यदि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। संस्कार महत्वपूर्ण चीज है और उच्च संस्कार और उच्च शिक्षा की जरूरत है। इसलिए भारत सरकार के पास बहुत सारे केंद्र है जहां आदमी को ऊंचे से ऊंचे पोस्ट मिल जाते हैं, नौकरियां मिल जाती है, आईपीएस आईएएस अफसर बन जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई केंद्र है जहां आदमी को, जहां बच्चे को अच्छा इंसान बनाया जाए? कभी कभी दुख भरी बात यह होती है कि आपके घर में ही आपके कोख से बच्चे जन्म को, जब से जन्म लेते हैं तब से आप उनको सिर्फ पैसा कैसे कमाना है ये सीख पढ़ाते हैं, ये चीख देते हैं। आप बच्चे तुम पढ़ो लिखो, अच्छे योग्य बनो और अच्छे पढ़ाई करो, इतना सीख देते हैं, इतना सीख देते हैं, जितना पैसा कमा सको कमाओ। और सौभाग्य की बात बताऊं कि आपके बच्चे पैसा खूब कमाते हैं। आपके बच्चे पैसा खूब कमाते हैं क्योंकि आपने वो चीज सिखाया, पैसे कैसे कमाना है, नौकरी में कैसे जाना है, बैंक में कैसे जाना है, आप ऑफिसर कैसे बनना है, ये सारे शिक्षा आपके बच्चे आप सीख दिए तो सीख गए और आपके घर में परिवार में पैसा खूब हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ कि भारत देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते चले गए। ये आपकी ही देन है। ये यदि आपने शिक्षा और संस्कार अच्छा दिया होता तो भारत देश में वृद्ध आश्रम नहीं बढ़ते। आपके शिक्षा और संस्कार सही नहीं होने के बदौलत आपके बुढ़ापे का जीवन बहुत दुखद होता चला जाता है, बहुत दुखद होता चला जाता है। आप अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। इसलिए आप सुंदर जीवन का निर्माण करिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए। बुढ़ापे में यदि आप अच्छा शिक्षा और संस्कार देते हैं तो आपके भविष्य में आपके बच्चे के पास कुछ हो ना हो लेकिन इंसानियत होगी, आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे, आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे। और यदि पैसा कमाना बस सिखाया तो आपको वृद्ध आश्रम भेजेंगे और आपके पास बात करने के लिए आपके बच्चे के पास टाइम नहीं होगा। इसलिए शुरुआत करिए अपने घर से। हमारे साथी कह ही रहे थे कि बच्चे बनते और बिगड़ते हैं माँ के कोख से और माँ के गोद से। इसलिए आप एकदम सही शिक्षा और सही संस्कार दीजिए। आपके घर में बच्चे रहें तो साफ सुथरा ढंग से रहे, सफाई शुद्धता पर ध्यान दीजिए। आपके घरों में सफाई होनी चाहिए, कहीं गंदगी पड़े हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं टट्टी है, कहीं और कुछ है, कचरा पड़ा हुआ है। आपका घर है, घर मंदिर की तरह होना चाहिए और घर से बढ़कर के मंदिर कुछ नहीं हो सकता है। आप मंदिर में ना जाएं, मंदिर में जाएंगे एक घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन आपका घर ऐसा मंदिर है जहाँ आप 24 घंटा समय काटते हैं और आपका घर गंदगी से पड़ा हुआ हो, आपके घर में अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ हो, आपके घर में कोई जाए तो उनको बदबू आए, घर की बदबू आए, आप कौन सी शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं? इसलिए मैं किसी जाति मत पथ संप्रदाय किसी मजहब की बातें नहीं कर रहा हूँ, आपसे वही चीज कह रहा हूँ कि आप घर की सफाई और शुद्धता रखिए। आप किस गुरु को मानते हैं, किस मत पंथ को मानते हैं, आपकी सोच है, लेकिन ये चीज हर व्यक्ति को करना होगा कि आपके घर सफाई शुद्धता हो, आपके घर में साफ सुथरा हो। आपके घर में सफाई नहीं होती है, आपके क्षेत्र में व्यवसाय बहुत है, आपके क्षेत्र में मक्का लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, बाजरा है, गेहूं है, धान है, ये सारे फसल होते हुए भी जहाँ से गंदगी पैदा हो उन चीजों से आप बचिए। और आपके घर में, आपके क्षेत्र में 3-3 फसलें होती है, उसके बाद भी आपके हर घर में बकरे बकरी मिलते हैं, क्या मतलब है इन चीजों को पालने से? जहाँ से गंदगी पैदा हो उससे अच्छा है अन्य चीजों को पालिए, जहाँ से पाप का कारण बनता हो। सफाई शुद्धता पर ध्यान दीजिए। बकरी पालने से गंदगी होती है आपके घर में, बकरी पालने से ज्यादा फायदा आप किसानी से कर सकते हैं, आप उन चीजों को क्यों पालते हैं? और वो पालने से आपके घर में पाप भी होता है। आपके पालने पर से नहीं, वो आप बकरा बकरी जब बेचते हैं तो वही कठिन होता है और आदमी गलत ढंग से आप हत्या जीव हत्या करते हैं, क्या पाप नहीं लगेगा आपको?
आप अच्छे शिक्षा और संस्कारित व्यक्ति हो करके भी इन चीजों से अपने को नहीं बचा पाते हैं, भ्रांतियों में पड़े रहते हैं, तो आप बच्चे को कैसे संस्कार दे पाएंगे? आपका कर्म ऐसा हो कि आपका सम्मान कर सके आपके बच्चे ही, और दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि आपके बच्चे ही आपसे बड़े हो जाने के बाद में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके कर्म में खोटा होता है, कर्म खराब होता है, या तो कहीं ना कहीं आपकी कमी रह जाती है कि आपने जो बच्चे को संस्कार देना चाहिए था शायद नहीं दे पाए, जो संस्कार देना चाहिए था नहीं दे पाए। आपस का प्रेम और आपस की स्नेह, घर का माहौल, ये तैयार करता है आपके बच्चे को कैसे शिक्षा मिलती है, कैसे संस्कार मिलता है। ये भारत देश के बाद बहुत से केंद्र है जहां आदमी को बड़े बड़े ऑफिसर बनाए जाते हैं, लेकिन भारत देश के पास, सरकार के पास ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहाँ आदमी को इंसान बनाया जाए। आज विज्ञान की देन है कि विज्ञान की देन है कि आदमी से आदमी की दिल की दूरी तो बढ़ती चली जा रही है और देश और काल की दूरी घटती चली जा रही है। जो यात्राएं हम पहले सालों साल में करते थे, छह महीने में करते थे, उन यात्राओं को हम चार घंटा छह महीने में कर सकते हैं, लेकिन आज भाई और भाई का नहीं मिल रहा है, सास और बहू का मिल रहा है, देरान जिठान का नहीं मिल रहा है। ये विज्ञान का चमत्कार तो है। हमारे साथी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं जो दृश्य देखने के बाद में बच्चे के अंदर गलत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ऐसा देखिए, ऐसा बोलिए, ऐसे चलिए। आप महान व्यक्ति है, आपके पास में धनी संपन्न व्यक्ति है, आप दरिद्र नहीं है। दरिद्र वो लोग हैं जो मीठा नहीं बोल सकते, दरिद्र वो लोग हैं जो प्यार से बात नहीं कर सकते, अच्छे नहीं सोच सकते, वो लोग दरिद्र है। जिसके पास संपत्ति नहीं वो लोग दरिद्र नहीं है, वो लोग गरीब नहीं है, वो लोग धनी व्यक्ति है। आप महान धनी बनिए, अपने संस्कार को बदलते जाइए। आपके घर में साफ सुथरा होना चाहिए। आप घर के बच्चे गंदे पड़े रहते हैं, कपड़े गंदे रहते हैं, मैले कुचैले रहते हैं, क्या अच्छी शिक्षा मिलेगी उनको? आप अपने घर के कपड़ा, अच्छा कपड़ा 100 रुपये में भी मिलता है, 1000 रुपये में भी मिलते हैं, लेकिन 1000 रुपये की कपड़ा पहन करके गंदे पहने हो, मैले कुचैले हो, तो क्या मतलब है? 100 रुपये की ही कपड़े हो लेकिन साफ सुथरा हो, व्यवस्थित ढंग से हो, तो ये जीने का तरीका अलग है। इसलिए आप सबसे निवेदन है बार बार कि साफ सुथरा आपका घर हो, भ्रांतियों में मत पड़िए। आप बच्चे को सही शिक्षा और संस्कार दीजिए। कोई भी बच्चे प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। घटना बताऊं आपको, एक माँ रोज अपने घर में पूजा करती थी, रोज पूजा करती थी और पूजा करती थी, और अपने उनके पूछते, उनके बच्चे पूछते थे, माँ ये पूजा करने से क्या होता है, किसकी पूजा करते हैं आप? माँ बोलती थी, बेटा ये भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकता है, इसलिए मैं भगवान की पूजा करती हूँ। भगवान को जो चाहो मांगो मिल जाता है, सब कुछ करता है भगवान। बच्चे तो बच्चे, बच्चे को विश्वास हो गया और विश्वास हो गया और देखते थे रोज माँ पूजा करती। एक दिन होता क्या है, उनका एग्जाम था, पेपर दिलाने के बाद आते हैं और रोज माँ के गोद में आते थे, आता था बच्चा, लेकिन वो करता क्या है, मंदिर में चला गया। घर में मंदिर बना था, घर में एक छोटा सा कक्ष था, उस रूम में चला गया जहाँ पूजा करते थे, और पूछते ढूंढते ढूंढते माँ जाती है, पूछते हैं तुमको क्या हो गया, रोज मेरे पास आते थे, आज भगवान के पास बैठे हो। इतना में बच्चा पूछते हैं, माँ सच में क्या भगवान जो चाहे वो कर सकता है, सच्चे दिल से मांगो तो? तो माँ बोलती है, हाँ बेटा सही बात है। तो इतना में बच्चा बोलता है, माँ आज मेरा एक पेपर था और पेपर एग्जाम हाल में मेरा एक प्रश्न था, प्रश्न में लिखा गया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने भारत की राजधानी में उत्तर में लिख दिया बिहार है। माँ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे बाहर निकलने पर पता चला भारत की राजधानी दिल्ली है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो उत्तर काट करके दिल्ली लिख दे, क्या माँ हो सकता है ना? माँ बोलती है, ये नहीं हो सकता है, तो भगवान क्या कर सकते हैं? आप मानते हैं, मत माननी कर रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे यदि प्रश्न कर दे तो उसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। आप बच्चे को गोल गोल बातें में, भ्रांतियों में मत लपेटिए। आप, आपके बच्चे सामने बैठे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, इन चीजों से बच्चे को क्या संस्कार मिलेगा? बच्चा वही चीज रोज देखता है और वही देखता है, और जहां तक अपने बच्चे को आप बीड़ी सिगरेट सब कुछ मंगाते हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आती है, एक बच्चा को मंगाया गया और रोज देखते थे पापा क्या करते हैं, रोज देखते थे।
एक दिन बच्चा क्या करता है, देखता है पापा रोज रोज बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गोल गोल धुआं उड़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगा उनको। एक दिन किया क्या, वो भी ले गए, मंगाए तो गया और कहे, उनके पिताजी कहे इसको जला करके लाना, उनके दादाजी कहते हैं इसको जला करके लाना, और जला करके लाते लाते बीच में वो सुलगा लिया, जला करके लाया और पी करके देखा और धुआं उड़ाया। उनको देख लिए उनके पिताजी, उनके पिताजी भी पीने वाले थे, उनको ठीक से तमाचा मारे। बच्चे हो, होश में नहीं हो और बीड़ी सिगरेट पीते हो, बच्चे तो बच्चे बेचारा मायूस हो गए। दो दिन बाद स्कूल से आता है, रोज रोज आता है स्कूल से, दो दिन बाद देखता है कि पिताजी सिगरेट पी रहा है। वो करता क्या है, अपना बिस्तर पुस्तक कॉपी अपने कमरे में रखता है, दौड़ करके आता है और अपने पिता के गाल पर ठीक से तमाचा मारता है। कहते हैं जवान हो गए हो, 45 साल की अवस्था है, होश में नहीं आए हो, सिगरेट पीता हो, पीते हैं आप, सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको पता नहीं है। आप बच्चे को क्या संस्कार दिए, आप अपने बच्चे को गलत संस्कार और शिक्षा दे करके आप अपने बुढ़ापे को दुखद यात्रा की ओर ले जाते हैं आप। इसलिए कहा जाता है जब बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। एक ऐसे विचारों से आपको रूबरू कराया जा रहा है जहां भगवान भगवती की याचना नहीं, कर्मों को सुधारने की बात कहा जा रहा है। जहां ये नहीं कह रहा है कि हमारे गुरु से जुड़ो मात्र उससे मुक्ति मिल जाए, ये बातें नहीं। हमारे गुरुदेव जी भी यही चीज कहते हैं कि कर्मों का सुधार करिए। कर्म अगर आपका अच्छा है तो जीवन अच्छा बन जाएगा, कर्म खराब है तो सब बिगड़ जाएगा। आपको एक घटना और बताऊं मैं, आपका जीवन का माहौल, आपका घर का जो एक्टिविटीज होता है, क्रियाकलाप होता है, उनसे बच्चे को शिक्षा और संस्कार मिलता है। आपस में सास बहु देरान जिठान में जैसे माहौल होता है, इन चीजों से बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। एक घर में ऐसी घटना घटती है, सास बहू में आपस में टकराहट हो गई, सास बहू में टकराहट, आए दिन टकराहट होती थी, एक दूसरे में लड़ाई। और ये अभी अगले प्रोग्राम में हम लोग गए थे, वहां से आए बगल घर में, दो घंटा तक इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई, मारपीट, इतना। आपके बच्चे क्या सीखेंगे इससे? आप समझदार व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मारपीट करते हैं, आपकी शिक्षा यही है, आपकी संस्कृति यही है कि आपके बच्चे के सामने, आपके परिवार के सामने आप मारपीट हो, और आप महान व्यक्ति होकर के, इंसान इंसान होकर के, बुद्धिजीवी प्राणी होकर के निकम्मे और कायर की तरह लड़ते रहते हैं आपस में, क्या शिक्षा मिलता है बच्चों को? ऐसी ही घटना घटती है, आपस में सास बहू में लड़ाई चल रही थी, लड़ाई रोज होती थी, तेज तर्रार बहू, एक घटना रोज उनके छोटा सा बच्चा देखता था, उनका बच्चा देखता था, रोज घटना घटती है। और रोते रोते अंतिम स्थिति यह आती है कि रोते रोते रोज कमरे में दादी माँ उनकी जाती है, उनकी सासू माँ, बच्चे के सासू, बच्चे के दादी रोज कमरे में चली जाती है। एक दिन होता ये है कि उसके पीछे पीछे उसका छोटा सा पोता भी जाता है, मात्र 5 साल का उसका पोता पीछे पीछे जाता है, और पीछे पीछे जा रहा है, और जब दादी माँ बैठ करके रो रही है, उनका पल्लू उठाता है और पल्लू उठा करके अपने दादी माँ का आंसू पोंछता है, और आंसू पोंछते पोंछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत। देखिए क्या बोल रहा है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है, और मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी जब शादी हो जाएगी तो मैं कहूंगा अपने पत्नी से कि तुम अपनी सासू माँ का कभी सेवा मत करना, क्योंकि वो अपनी सासू माँ से रोज लड़ाई करती थी। यदि आज आप लड़ते हैं अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से, तो आप अपने बुढ़ापे को चुनौती देते हैं। माताओं से निवेदन है कि आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन आपके बहू को एहसास हो जाए कि सच में असली माता पिता मेरे सास ससुर है, उस दिन आप एक बूढ़ी, आप एक सासू माँ नहीं बल्कि आप एक माँ भी बन जाती है। इसलिए आप अपनी बेटी तो चली जाती है, आप अपने बहू को बेटी से भी ज्यादा मानिए, प्यार दीजिए, संस्कार दीजिए। और महनों से भी निवेदन है कि वो माँ को आप छोड़ करके आती हैं, कई कोस छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ में जीवन काटना है, अपने सासू माँ के साथ में, और सासू माँ के साथ में यदि अच्छा बर्ताव करते हैं आप, अच्छा प्यार का बर्ताव करते हैं, अच्छा स्नेह से रखते हैं, सासू माँ को माँ से भी ज्यादा सम्मान देते हैं, तो सुखद यात्रा आपकी ये होगी कि आपके आने वाले पीढ़ी, आपके बच्चे भी आपको मान और सम्मान देंगे, आपको भी इज्जत देंगे, आपका भी सैल्यूट करेंगे, बदौलत आपको बहुत अच्छा जीवन कट जाएगा। मैंने कुछ देर तक
संस्कार के विषय में कुछ कहने का प्रयास किया। आप लोगों से निवेदन है कि सही भ्रांतियों से हट करके कबीर विचारों से जुड़े और कबीर विचारों से जुड़ करके अपने जीवन को आत्म कल्याण की ओर ले जाए। सफाई शुद्धता में ध्यान दे, सफाई शुद्धता, अपना शरीर को साफ रखिए, स्वस्थ रखिए, शरीर में कचड़े चीज मत बांधते चाहिए। कल भी मैंने कहा था अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, ताबीज पर भरोसा से ज्यादा आप अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। ताबीज आपका सुंदर शरीर में क्या क्या बेडौल चीज बांध देते हैं आप, अच्छा नहीं है ये। अच्छा बच्चे यदि प्रश्न पूछे आपके ताबीज बांधने से क्या होता है, आप अपने कर्मों को काट सकते हैं, गलत कर्मों को, गलत कर्मों से समाधान नहीं मिल सकता है ताबीज से। आप गलत कर्मों से समाधान है कि गलत कर्म करना बंद कर दीजिए और उच्च शिक्षा और उच्च संस्कार की बातें करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग संत श्री अखिलेंद्र साहब के बहुत ही सुंदर संस्कार पर विचार सुन रहे थे। सचमुच आज की जो नई पीढ़ी है वो बूढ़े माँ बाप की और बूढ़े सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहती आज की जो नई पीढ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप विचार करो कि जो आपका पति है वो कम से कम 20 साल 22 साल 25 साल का तो होगा, इतना होगा ना 20 साल 22 साल 25 साल का, तो 20 साल 22 साल 25 साल का हुआ कैसे? वो कोई मछली है कि जाल से जाल फेंक करके और नदी में से छान करके आया है, कि जानवर है कि जंगल में से फंसा करके आया है? नहीं, वो माँ बाप की लागत लगी है, मेहनत लगा है, पैसा लगा है। तो मैं तो एक निवेदन करता हूँ कि जितने साल का आपका पति है, मान लो 20 साल का है, तो कम से कम 20 साल तो सास ससुर की सेवा कर लो, बाकी मत करना। सास है, नई बहू है, तो समय से उसका पैर दबाओ, घुटना दबाओ, पीठ दबाओ, हाथ दबाओ, सर दबाओ, पेट दबाओ, गला भर मत दबाना, नहीं तो राम नाम सत हो जाएगा। सेवा करो। तो जो देखो, अगर घर बनता है तो औरत से ही बनता है, अगर घर बिगड़ता है तो औरत से ही बिगड़ता है, औरत से ही बिगड़ता है। तो एक ऐसे ही एक नई बहू थी, वो आई थी नई नई अपने ससुराल, एक सास थी और एक पति था। और सास बड़ी सरल थी, सीधी साधी थी, और जो बहू थी नई थी बड़ी तेज थी, और जहां जहां गलती हो वो सास समझावे कि देखो बहू भोजन बनाती हो तो हाथ धो करके सफाई शुद्धता से बनाओ, भोजन बनाती हो तो खुला मत रखो, उसको ढक करके रखो, मक्खी लगती है, कीड़े मकोड़े लगते हैं, है ना? अगर ये रसोई घर है उसको साफ सुथरा रखो, बढ़िया से सब सामान सजा करके रखो, कपड़े इधर उधर मत बिखरे रहो, इसको चपत करके घर में रखो। और उसको बड़ा बुरा लगे, वो जो नई बहू थी उसको बहुत बुरा लगे, ये तो हमको बात बात में टोकती रहती है, ये ठीक नहीं है। तो वो एक एक चाल चली हो, चाल चली हो कि ये बात बात में टोकती रहती है, हम इसको बेइज्जत कर देंगे तो इसका मुख बंद हो जाएगा, जब इसको हम बेइज्जत कर देंगे किसी तरीके से तो इसका मुख बंद हो जाएगा। तो एक चाल चली हो नहीं बहू, क्या की वो बीमार पड़ गई, वो क्या की वो बीमार पड़ गई, बीमार थी नहीं, वो चाल चली बीमार का बहाना कर गई। वो अब बीमार के बहाना कर गई, पति जो है छोटा मोटा काम करता था, थोड़ा पैसा मिलता था, कैसे हो अपना परिवार का गुजर बसर करता था। शाम को आया तो न खाना बनाई है, न झाड़ू लगाई है, न कुछ की है, बर्तन वैसे पड़ी है, जाकर के देखता है तो कहता है कि ये सब कैसे? कहा कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है। बहू कहे कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम अब कर नहीं पाएंगे। तो वो बेचारा पति गया, बाजार गया, डॉक्टर को लाया, बुला करके चेक कराया, दवाई दिया, ठीक है नहीं हुआ। अरे रोग रहे तब तो ठीक हो, वो ठीक नहीं हुआ, सुबह भी वैसे ही है, तबीयत ठीक हुआ कहा कि नहीं, फिर ले गया शहर, ले गया इलाज कराया, फिर लेकर के आया, दवाई कराया, चेकअप कराया, ठीक हुआ तो नहीं, वैसे ही के वैसे ही रही। ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन बीत गया और रोग वैसे ही के वैसे ही है, रोग तो था नहीं, रोग वैसे ही के वैसे ही है, दिन भर सूती रहे। तो अब क्या करे? तो अब कही कि अब हफ्ता 10 दिन हो गया, अब आगे कुछ करना चाहिए।
अब रात जब रात में सो करके उठी तो पति से कही कि देखो जी हमारा जो रोग है ना वो दवा दारू से ठीक नहीं होगा, डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, इससे ठीक नहीं होगा। हम रात में सपना देखे हैं, जो घर का देवता है वो सपना दिखाया है कि देखो तुम्हारी जो माँ है, अपने पति से कह रही है सास के लिए कि जो तुम्हारी माँ है वो अपने सर का बाल छिलवा ले, गंजा हो जाए और मुख में कालिख लपेट करके और गधा पर बैठ करके गांव के तीन फेरा जब लगाएगी तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। चति पति समझदार था, उसकी चाल को समझ गया वो, कहा कि ये बात है कि हाँ। तो वो पति कहा कि अच्छा रहो रहो हम व्यवस्था करते हैं। वो चला गया सीधे ससुराल। कहाँ गया? अपने ससुराल, अपने पति के माँ के यहाँ। और पत्नी के माँ से कहा, अपने सास से कहा कि देखिए आपकी जो बेटी है ना बहुत जोर से बीमार पड़ गई है, इतना बीमार पड़ गई है कि दवा दारू डॉक्टर टेबलेट सुई इंजेक्शन सब फेल कर गया है, वो ठीक नहीं हो रही है। अब एक ही उपाय है, एक उपाय है जो घर का देवता है वो स्वप्न दिखाया है कि आप जो है सास से कह रहा है कि आपकी बेटी जो है बीमार पड़ गई है, अब सास से कह रहा है कि आप अपने बाल को छिलवा लेंगी और मुख में कालिख लपेट लेंगी और गधे पर बैठ करके गांव के तीन चक्कर लगाएंगी तो आपके बेटी का रोग ठीक हो जाएगा। तो औलाद है ना बेटी, माँ क्या नहीं कर सकती है औलाद के लिए, सब कुछ करने पर तैयार है। कहे कि इतना करने से अगर मेरी बेटी का अगर तबीयत ठीक हो जाता है तो कोई नहीं हम कर लेंगे। तो उस जो दामाद था उस सास को ले गया बाजार में सैलून में, बाल को छिलवाया और छिलवा करके आमुख में कालिख लपेटा और लपेट करके किराए पर एक गधा किया, गांव में धोबी था, लाया और दरवाजे पर ले करके गया। तो यात्रा तो अब दरवाजे से ना शुरू होगा, ले करके गया। तो अब जो जो ओ थी जो जो महिला थी घर की वो देख ली तो कहे कि अब तो हम चाल में सफल हो गए, चाल में सफल हो गए। तो वहीं से कहती है कि देख त्रिया की चाल, देख त्रिया की चाल, गंजा सर और काला गाल, कालिख लपटी थी। तो कहती है कि देख त्रिया के चाल, गंजा सर और काला गाल। तो मर्द भी कम नहीं था, कहा कि देख मर्द की फेरी, देख मर्द की फेरी, अरे मम्मी मेरी कि तेरी, देख तो देख त्रिया, देख मर्द की फेरी, अरे देख तो मम्मी मेरी कि तेरी। तो वो तो सास थी, तो वो जब देखी कि तो मम्मी तो मेरी है तो शर्म से झुक गई, ये तो मम्मी तो मेरी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना हूं कि आप ऐसा सास का अपमान मत करना। अरे पति पति की माँ है वो, अगर पति जिंदा है तो आपके मांग में सिंदूर है और आपके हाथ में चूड़ियां खनक रही हैं, आप रंगीन साड़ी पहनती हैं, सुलहो सिंगार करती हैं, पति के बदौलत, पति कहाँ से आया? सास और ससुर से आया। तो आप सास ससुर की सेवा करना, कभी सास ससुर की अपमान मत करना। तो आइए अभी हम लोग बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे, एक बीच में छोटा सा भजन सुन लेते हैं फिर संतों के विचार सुनते हैं। तो हमारे बीच संत श्री उमेंद्र साहेब जी मंचासीन है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने भजन से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। हाल हाल बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, साहेब जी की आज्ञा हुई है आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। अभी हम सब बहुत अच्छे अच्छे बातें सुन रहे थे, लेकिन केवल कहने और सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने जीवन में उसको नहीं उतारेंगे
तब तो वह सुनना और कहना काम नहीं आएगा। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का एक भजन है इसी पर। बिना सद आचरण धारे न कथने काम आते हैं, बिना सद आचरण धारे न कथने काम आते हैं, ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को न चाहती है। बिना सद आचरण धारे न कथने काम आती है, बिना सद आचरण धारे न कथने काम आती है। स्ववश तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मोली है, स्ववश तन मन वचन करना नहीं कुछ साग मोली है, नहीं कुछ साग मोली है। अधमता अपने मन की है, अधमता अपने मन की है, सदा भव में पचाती है। बिना सद आचरण धारे न कथने काम आती है, स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निश दिन, स्वाभाविक दूसरों के दोष को मन देखता निश दिन, हजारों भूल जो अपनी, हजारों भूल जो अपनी, नहीं वे दृष्टि आती है। हजारों भूल जो अपनी, नहीं वे दृष्टि आती है। बिना सद आचरण धारे न कथने काम आती है, बड़ा बनना गुरु बनना सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना गुरु बनना सरल विद्वान भी बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो, मगर मन की कुचालें जो, न जल्दी जीत जाती है। मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीत जाती है, बिना सद आचरण धारे न कथने काम आती है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग सही समय नहीं है, मैं स्टैंड लगाऊं।
बोलिए सदगुरु देव की जय। आप लोगों से निवेदन ये है कि हम लोग संतों के विचारों से लाभ लेंगे, अंत में संत गुरुजन आएंगे, गुरुजी भी आएंगे, तो आप लोग थोड़ा व्यवस्थित होकर के बैठे। आपको चिंता क्या है? घर में खाना नहीं बनाना है, खाना यहाँ आपके लिए बन रहा है। आपको केवल यहाँ प्रवचन सुनना है, भोजन करना है और जाके सुनना है, सोना है। आपको क्या टेंशन है आज? कल तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, तो आज तो कम से कम पूरा पूरा समय दो, और समय दे करके सत्संग से गुरुजनों के दर्शन से लाभ उठाओ। अरे घर का काम तो रोज है, संसार का काम तो रोज है, लेकिन गुरुजी कहाँ रोज मिलेंगे? तो आप लोग थोड़ा व्यवस्थित करके बैठो, स्थिरता से बैठो। कबीर साहब ने कहा है कि कैसे सत्संग में बैठना चाहिए, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए। जब इतनी योग्यता लेकर के हम सत्संग में बैठेंगे तब हमको लाभ होगा, नहीं तो क्या होगा? इस कान से सुनेंगे उस कान से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आज तक यही होता आया है, यही होता आया है, लेकिन आज तो कम से कम पूरा समय दीजिए। ई मन चंचल ई मन चोर, मन ही तो है कि चंचल हमको बनाता है। तो थोड़ी सी स्थिरता, अव्यवस्थित होकर के बैठे। माताएं बहुत पीछे बैठी हैं और जगह बीच में खाली है। माताओं से निवेदन है कि थोड़ा आगे बढ़ करके बैठ जाओ।